मगज गुजरात की एक पारंपरिक मिठाई है। खास करके मगज जो है वो दक्षिण गुजरात में बहुत ज्यादा बनता है और दिवाली के मौके पर तो ये बनता ही है। मगज बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी इसका जो मेजरमेंट है और उसके जो बनाने की टेक्निक है वो बहुत ही जरूरी है, तभी आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो इसीलिए ये रेसिपी आप हर एक स्टेप ध्यान से देखिए, बहुत ही बढ़िया मगज बनेगा। मगज बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे घी। तो यहां पे मैं घर का घी ले रहा हूं, तो ये करीबन मैं 100 ग्राम जितना ले रहा हूं। जब भी आप मगज बनाते हो या मिठाई बनाते हो तो आप कप से ज्यादा ग्राम में मेजरमेंट लीजिए, तो आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। तो अगर यहां पे आपको कप का भी मेजरमेंट चाहिए तो मैंने यहां पे 100 ग्राम जितना घी लिया है, तो आपको हाफ कप जितना घी लेना है। अभी घी को अच्छे से पिघलने देंगे। अभी घी पिघल गया है तो अब हम इसमें डालेंगे चने का आटा। तो ये जो बारीक वाला आटा है वो नहीं है, ये थोड़ा सा मोटा वाला आटा लेना है। तो आप कोई भी किराने के स्टोर पे जाओगे तो आपको मगज का आटा रेडीमेड मिल जाएगा, तो आपको वो ही लाना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो बारीक वाला बेसन आता है आप वो ले सकते हो, लेकिन उसमें आपको धाबा देना पड़ेगा। धाबा देने यानी कि उसमें दूध और घी डाल के उसमें एक कणी कणी बनाते हैं जिससे उसका बढ़िया टेक्सचर आता है। धाबा देने की जो प्रोसेस है वो मोहन थाल जब हम बनाते हैं उसमें कंपलसरी है। मगज में बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते। आप नहीं करोगे फिर भी आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा जिससे एकदम बढ़िया इसका टेक्सचर आएगा। जब भी आप ये आटा सेकते हो बहुत ही स्लो फ्लेम पे आपको सीखना है, और जैसे जैसे आप इसको सेकते जाओगे ये थोड़ा सा लिक्विड होता जाएगा, बहुत ही लाइट होगा और बहुत ही हल्का होगा, और इसका जो कलर है वो भी बदलने लग जाएगा। आप यहां पे देख सकते हो ये बहुत ही ज्यादा लिक्विडी जैसा हो गया, एकदम पतला हो गया, और इसका जो कलर है वो भी हल्का सा बदलने लगा। जब भी हम मगज सेकते हैं तो हमारे जो पुराने जमाने के दादी माँ नानी माँ जो होते हैं वो हमेशा बोलते हैं कि इसको सुनहरी सेकना है, यानी कि सोना जैसा इसका कलर होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बादामी होना चाहिए, लेकिन बादामी मीन्स बहुत ज़्यादा उसका डार्क कलर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें उसके बादामी नहीं करना, सुनहरे करना है, तो इसका कलर हल्का सा डार्क होना चाहिए। करीबन 12 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हो इसका कलर एकदम सुनहरी हो गया है। तो अब गैस बंद करके आपको दूध डालना है। तो यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून जितना दूध लूंगा, दूध रूम टेम्परेचर का ही दूध है, और गैस बंद करके ही डालना है, क्योंकि बहुत बार मगज का जो ये मिक्सर है वो बहुत गर्म होता है तो ये उछल के बाहर भी आ सकता है। दूध डालने के बाद इसको तुरंत ही आपको मिक्स करना है, बहुत बार दूध डालने के बाद ये नीचे लग भी सकता है। दूध की जगह पे बहुत सारे लोग मलाई भी डालते हैं, तो आप 1 चम्मच जितना यानी कि 1 टेबलस्पून जितनी मलाई भी डाल सकते हो। दूध डालने से इसमें बहुत ही बढ़िया इसका जो टेक्सचर है वो आएगा। ये देखिए इसका जो कलर है वो बहुत ही बढ़िया हो गया है। जब भी आप मगज का ये आटा सेकते हो तो उसको बहुत ही धीरज से सेकना है, तभी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो एक बार गैस चला के हम 1 से 2 मिनट के लिए इसे सेक लेंगे। जब ये सीख जाता है तो आपके पूरे घर में बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि ये सीख गया है। और इसका कलर तो आप देख ही सकते हो एकदम बढ़िया और एकदम सुनहरी हो गया है। अभी ये जो मिक्सर है उसको गैस हम बंद कर देंगे और 5 मिनट के लिए ठंडा करेंगे। बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करना है, सिर्फ 5 मिनट आपको वेट करना है। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो इसको आपको 10 मिनट या 15 मिनट के लिए आपको वेट करना होगा, और उसके बाद आपको इसमें पिसी हुई चीनी मिलानी है। तो उससे पहले तो हम इसमें फ्लेवर डाल देंगे, तो 1/4 टीस्पून जितना इलायची पाउडर डालेंगे, एक बार उसे अच्छे से मिला लेंगे। अभी हम इसमें पिसी हुई चीनी डालेंगे। तो यहां पे 100 ग्राम जितना हमारा घी था, 100 ग्राम जितना हमारा जो मोटा वाला बेसन था वो लिया, तो 100 ग्राम जितनी ही हम चीनी डालेंगे। चीनी को हमेशा आपको छान के लेना है, तो मैंने चीनी को पहले से ही छान के रखा था। कभी भी चीनी को आप बिना छाने मत डालिएगा। और ये जो मिक्सर है वो हमारा गर्म ही है, सिर्फ हमने 5 मिनट के लिए वेट किया था। और जैसा मैंने बताया कि अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में बना रहे हो तो आपको जो वेटिंग टाइम है वो आपको 10 से 15 मिनट का करना पड़ेगा।
अभी आप देख सकते हो चीनी डालने के बाद ये जो हमारा मिक्सर है वो बहुत ही ड्राई हो गया है। तो बिल्कुल हमें ये ऐसा ही चाहिए, क्योंकि जैसे हम इसमें थाली में डालेंगे और उसको थपथपाएंगे तो फिर उसके बाद ये थोड़ा लिक्विड हो जाएगा फिर से। ये देखिए अभी आप जैसे हम मिलाते जा रहे हैं इसमें से घी भी है वो थोड़ा निकलने लग गया है। ये देखिए एकदम बढ़िया ये बन गया है। अभी हम इसे ग्रीस की हुई डिश में निकाल लेंगे। उसके बाद डिश को हमें थपथपाना है। जैसे हम उसको थपथपाएंगे उसके ऊपर घी निकलना शुरू हो जाएगा और ये पहले जैसा ही थोड़ा ढीला हो जाएगा। ये देखिए इसके ऊपर घी निकलना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल हमें ये ऐसा ही चाहिए। अभी इसके ऊपर हम चारोड़ी डालेंगे। यहां पे जो मैंने क्वांटिटी बताई है उससे आपका जो 250 ग्राम से 280 ग्राम जितना मगज तैयार होगा। उसके बाद इसके ऊपर हम बादाम भी डाल देंगे। आप चाहो तो इसमें पिस्ता भी डाल सकते हो, इलायची पाउडर भी ऊपर से डाल सकते हो। अभी इसे सेट करने के लिए हम रख देंगे करीबन 7 से 8 घंटे के लिए। ये देखिए मैंने एक वेज पहले से ही रेडी करके रखा था। आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया ये बन गया है और उसमें मैंने उसको काट भी लिया था। आप चाहो तो अपनी मनपसंद अनुसार बड़ी या छोटी साइज में इसे काट सकते हो। अभी हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए एकदम बढ़िया इसका एकदम परफेक्ट टेक्सचर आया है। तो अभी हम मगज को सर्व कर देंगे। तो ये रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको भी ऐसी पारंपरिक ट्रेडिशनल रेसिपी सीखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब की है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।